An Academy. Let's crack it. भाई मैं आपसे कहता हूं, यहां प्रोविजन में आपको क्या क्या रखा है? फेयर रेंट। भाई रेंट जो है आप लोगों को सेक्शन 2 में नहीं मिलता। भाई सेक्शन 2 में रेंट गिविन नहीं है। आपको इस रेंट की डेफिनेशन सेक्शन 4 में दे रखी है, और सेक्शन 4 में इस रेंट की डेफिनेशन को वो क्या बोलते हैं, रेंट की डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कंट्रोलर। मैंने आपसे कहा था ना, सारे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोलर निभाएगा, सारी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोलर निभाएगा। तो कंट्रोलर जो है वो रेंट फिक्स कर सकता है फॉर सच बिल्डिंग ऑन द रेंटेड लैंड आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी। भाई अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है, कुछ और होता है, तो उस केस में इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो रेंट फिक्स कर देगा, और उसी रेंट को हम क्या मानेंगे, फेयर रेंट, जो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा। यानी कि जिस दिन आप लोगों के बीच रेंट को लेके डिस्प्यूट हुआ है, कितना तय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसी से रिलेटेड उस दिन से ये रेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, और वहीं से आप लोगों का रेंट फिक्स होता है। और ये रेंट फिक्स करने वाला पर्सन कौन है? ये ना लैंडलॉर्ड है और ना ही टीनेंट है, ये है ये अथॉरिटीज जो कंट्रोलर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो रेंट कौन डिटरमाइन करेगा, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को आंसर देना होता है। तो रेंट डिटरमाइन करने वाली यहाँ अथॉरिटी है कंट्रोलर, और रेंट कैसे तैयार हो रहा है भी? यहाँ फिक्स कर रहे हैं फेयर रेंट। भाई फेयर रेंट का क्या मतलब है सर? फेयर रेंट का मतलब बस यही है, विच इज रीजनेबल, विच इज रीजनेबल, विच इज रीजनेबल। सर ये कैसे पता चलेगा ये रेंट रीजनेबल है? भाई इसी के लिए तो लिखा है कि ये रीजनेबल रेंट का पता लगाने के लिए इस एरिया के अकॉर्डिंग ये रेंट रीजनेबल है, ये कंट्रोलर इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कंट्रोलर इंक्वायरी कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता करने की जरूरत है, भाई फेयर रेंट क्या होता है। बहुत फेयर सी डेफिनेशन है, मैं यही बोलूंगा। फेयर रेंट क्या है? जो कंट्रोलर डिटरमाइन कर रहे हैं। आपको इसके अलावा इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो भी मिलता है जो आपसे पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में बात करता है। इसे हम ट्रांजिशनल प्रोविजंस कहते हैं, ट्रांजिशनल प्रोविजन। भाई इससे पहली वाली जो एक्ट आया, उससे पहले वाली चीजों का क्या होगा, वो अब खैर यूज में नहीं रहता, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते, मगर वो ट्रांजिशनल प्रोविजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो यहां लिखा है, यहां लिखा है भाई ये रेंट कैसे फिक्स किया जाएगा। मैंने कहा था ना इंक्वायरी करेगा। इन फिक्सिंग फेयर रेंट द कंट्रोलर में अलाउ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिक रेट। कैसे? नॉट एक्सीडिंग 25% ऑन द राइज और फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है भाई, कैसे रेंट फिक्स करेंगे? भाई इंक्रीज और डिक्रीज दोनों अलाउ है, मगर 25% से ज्यादा का इंक्रीज और डिक्रीज अलाउ नहीं होगा। भाई कितनी भी जर्जर हालत हो बिल्डिंग की, या कितनी भी आलिशान बना दो, 25% से ज्यादा चीजों में चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, एडवोकेट सिंह अभी जो पॉइंट कवर करा रहा हूं, अभी पहले उसे कवर करने की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे जो लैकिंग है उसे क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी आप इसे समझिए ताकि आपके दिमाग में इससे रिगार्डिंग एक पिक्चर क्लियर हो कि भाई रेंट कंट्रोल एक्ट को हम कैसे पढ़ रहे हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट में जो अथॉरिटीज हैं वो क्या काम कर रही हैं।